बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दिखाऊंगी आपको सिलाई बलोची सूट की। इसके लिए मैंने दो आस्तीने हैं जो पहले से ही कटिंग है और मैंने इस पर लेस भी लगाई है। ये लेस वाला है बलोची सूट, तो इसकी मैंने कटिंग कर चुकी हूँ और ये अब इसकी मैं सिलाई करूँगी। तो मैं इसकी ये आपको दिखा रही हूँ। पहले मैं फिटिंग का निशान लगाऊँगी आस्तीनों पर, और यहाँ पर मैंने फासला रखा है 3.5 इंच का। ये जो यहाँ से टक लगेगी, साइड के टक लगेंगे, तो इसके लिए मैंने फासला रखा है 3.5 का। यहीं से मैं फिटिंग का निशान लगाऊंगी, क्योंकि बलोची सूट है तो इसके बाजू खुले हुए होते हैं ऊपर से। अब मैं लूँगी साइड का कपड़ा जहाँ से हमें टक लगानी है, तो ये आस्तीन के बिल्कुल नीचे लगेगा फिटिंग की साइड, जहाँ हमारी कमर की फिटिंग होती है वहाँ पर। तो ये मैंने कपड़ा लिया है, ये कपड़ा लंबाई और चौड़ाई में बराबर है। अब यहाँ से हमें देखना होता है कि कपड़ा कितना है। अगर कपड़ा की घेर ज़्यादा होती है तो हम बड़ी बड़ी टक्से लगाते हैं, यानी कि अंदर कपड़ा ज़्यादा रखते हैं टक्सों के लिए। अगर कपड़ा कम है तो बारीक बारीक चुन्नट लगाते हैं, ताकि चुन्नट भी पूरी हो जाए और ये तंग न लगे। जितना हमने आस्तीन पर जो फासला रखा था, मैंने इंची टेप की मदद से इतनी ही मैं चुन्नट लगाऊँगी इसके साइड पर भी। इस तरह से मैं चुन्नट लगाऊंगी, इस तरह के यहाँ पे पूरा आ जाए। सबसे पहले आस्तीन की सिलाई लगती है, बाद में ये बनता है। ये जो साइड है ना टक्स की, वो बाद में बनती है। तो वह मशीन पर मैं दिखाऊंगी, पहले आस्तीन की जो फिटिंग होती है, जहाँ जो मैंने चाक की मदद से निशान लगाए थे वो दिखाऊंगी, और ये बाद में जो है वो इस पर चुन्नट भी लगाऊँगी। तो ये आस्तीन है, आस्तीन पर मैंने अस्तर भी लगा लिया था और लेस भी लगा ली थी, क्योंकि ये लीलन का सूट है तो ये लेस वाला ही मैंने बना लिया था। इसकी मैंने फिटिंग रखी है यहाँ से 6 इंच तक रखी है, ज़्यादा नहीं है। अगर आप ज़्यादा भी रखना चाहते हैं और अगर कम भी रखना चाहते हैं बहुत ज़्यादा फिटिंग वाली, तो वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने बिल्कुल नॉर्मल रखी थी, 6 इंच तक नॉर्मल होती है। जहाँ से मैंने चाक लगाया था वहीं पर मैं सिलाई करती जाऊँगी। तो इस तरह से मैं सिलाई लगाती जाऊंगी, और जहाँ पर मैंने फासला रखा था वहीं पर मशीन को रोक लेना है। पूरी आस्तीन पर सिलाई नहीं लगानी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने फासला रखा है, यहाँ तक सिलाई को पक्का करके छोड़ देना है। इस हिस्से को खुला ही छोड़ देना होता है। यहाँ से अगर हम बंद कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मसला होता है, बाद में फिर से खोलना पड़ता है। इसलिए यहाँ से खोलना नहीं है, पहले से ही निशान लगाते हुए सिलाई लगानी है। अब यहाँ से पक्का कर लूँगी मैं, ताकि ये धागे वगैरह नज़र नहीं आए और ये अलग अलग होके इसकी लेस के धागे वगैरह ना निकले। तो मैंने इसको यहाँ से भी पक्का कर लिया और धागे तोड़ लिए। अब मैंने साइड का कपड़ा लिया है जहाँ से हमने प्लेट बनानी है, टक बनानी होती है। तो ये देखे 1 इंच का फासला छोड़ा है, और 1 इंच का ही कपड़ा दबाते हुए मैं अंदर सिलाई लगाती जाऊँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिटिंग वाला सूट नहीं था, ये घर में पहनने वाला सूट था। तो ये बहुत ही ज़्यादा लूज सूट था, इस सूट को जो है लूज सीना था। तो मैंने ढीला ही इसको सिया है, तो इसमें प्लेटें जो हैं वो भी इतनी बारीक बारीक नहीं लगाई थी जो नॉर्मल होती है। जैसे कि हमने शुरू में 1 इंच का कपड़ा छोड़ा था, तो आखिर में भी 1 इंच का ही मैंने कपड़ा छोड़ा है। अब इतना ही हो गया है जितना हमने ये आस्तीन का जो निशान लगाया था ना, उतना ही हमने रखना है। अब मैं इसके फासले पर, 1 इंच के फासले पर दूसरी सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए 1.5 इंच का फासला मैंने रखा है, और जितना ऊपर से प्लेटों का कपड़ा लिया था दरमियान में भी इसी तरह से रखना है, क्योंकि इसके नीचे एक और भी सिलाई आएगी और इन सिलाइयों को पक्का भी करना होता है। आप चाहें तो इन सिलाइयों के ऊपर बाद में लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इनको सादा ही रखती हूँ, लेस नहीं लगाती। ये देखें इस तरह से प्लेटें सारी, जितना ऊपर सा कपड़ा लिया होता है प्लेटों के लिए, इतना ही दरमियान में भी लिया होता है, और इतना ही तीसरी लाइन में भी कपड़ा जाना चाहिए। छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और फासला भी 1 जितना ही रखना चाहिए। जैसे कि ऊपर मैंने 1.5 इंच का फासला रखा है, तो नीचे भी मैं 1.5 इंच का ही रखूँगी। तो ये इस तरह से 3 सिलाइयाँ मुकम्मल होंगी। और आप चाहें तो इस पर ये जिन सूटों पे कढ़ाई होती है, तो इन पर जिस तरह की कढ़ाई बनी होती है, तो इन सिलाइयों जैसे टक्सों के ऊपर भी कढ़ाई की जाती है। बहुत सारे सूटों में इस तरह की
अब मैं इसकी डबल सिलाइयाँ लगाऊंगी क्योंकि यहाँ से इनको पक्का करना होता है, क्योंकि ये प्लेटें लगाने के लिए बड़ा टांका रखना होता है। तो मैं बड़ा टांका रखती हूँ और बाद में इसको बारीक टांका रखते हुए इसकी सिलाइयाँ लगाती हूँ ताकि ये मज़बूत हो जाए। और ऊपर वाली लाइन पर मैंने 3 सिलाइयाँ नहीं लगाई, सिर्फ नीचे वाली लाइनों पर। अब मैंने ये साइड को फोल्ड कर लिया है इस तरह से, और इसका दरमियाना लेते हुए दरमियान में कैंची से कट लगा लिया है ताकि निशानी का पता चले। अब ये इस तरह से देखें मैंने खोल लिया है, और आस्तीन भी मैंने सी ली थी ये आपके सामने। इस तरह से मैं खोलते हुए इसको सिलाई करूँगी। यहाँ से पहले मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह से मैं कर रही हूँ सिलाई। तो ये देखिए इस तरह कपड़ा मैंने खोल लिया है, और आस्तीन को उल्टा करना है। यहाँ से आस्तीन को उल्टा करना होता है, और बिल्कुल जो जहाँ से सिलाई लगाई है और जहाँ से मैंने कैंची से कट लगाया था इस हिस्से को बिल्कुल दरमियान में रखना होता है। ज़रा सा भी ये सिलाई इधर उधर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल दरमियान में रखा होता है। जैसे कि मैं पहले भी सूट आपको दिखा चुकी हूँ किस तरह से मैंने सूट सिया था, तो उस वीडियो को भी बहुत पसंद किया गया है, इसलिए मैं ये जो लीलन का सूट है उस पर भी मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से मैं बिल्कुल दरमियान में रखते हुए सिलाई लगाऊँगी। ये देखें अब मैं करीब से दिखा रही हूँ, जहाँ से मैंने आस्तीन की सिलाई लगाई है बिल्कुल वो सिलाई खोल लेनी है नाखून की मदद से, और यहीं से मैं इसको सिलाई करूँगी। जितना एक्स्ट्रा होगा वो बाहर निकाल दूँगी, और बोल तो एक्स्ट्रा नहीं होता क्योंकि मैंने इंस्टेप की मदद से नाप कर लिया था। अगर आपका एक्स्ट्रा हो भी जाता है तो वो ऐसा बाहर निकालें, लेकिन जो आस्तीन का दरमियाना है वही साइड का जो प्लेटों वाला टक्स वाला जो दरमियाना है वो बिल्कुल एक जैसा ही रखना होता है। ये देखें आधे इंच की सिलाई लगानी होती है यहाँ पे, यहाँ से आधे इंच की सिलाई होती है, इससे ज़्यादा सिलाई नहीं लगाई जाती। ये देखें यहाँ से भी मैं पूरा कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक ही मज़बूत सिलाई लगाई है, यहाँ से डबल ट्रिपल सिलाइयाँ नहीं लगती, ये बिल्कुल एक ही सिलाई लगती है, वो भी सिंगल जो मज़बूत वाला टांका होता है उससे लगानी है। और ये कपड़े को सीधा करते हुए ये देखें कोई भी चुनट नहीं आई है, और दरमियाना जो हिस्सा था वो बिल्कुल दरमियान में ही आया है। सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना होता है कि कपड़ा इसके ऊपर ना चढ़े, कोई चुनट नहीं आए, कोई टक्स इसके ऊपर ना आए। आस्तीन का जो कपड़ा है वहाँ पे टक्स नहीं लगनी। अब ये देखिए बिल्कुल सीधा सीधा ये कपड़ा है। अब एक फुट का फासला रखते हुए एक में सिलाई लगाऊंगी, मैं निशान भी दिखा रही हूँ आपको कि मैं यहाँ से सिलाई लगाऊंगी एक फुट का फासला रखते हुए। इस तरह मैं सिलाई लगाऊंगी ताकि ये मज़बूत हो जाए, क्योंकि नीचे मैंने एक सिलाई लगाई है तो ऊपर भी मैं एक सिलाई लगाऊंगी मज़बूती के लिए। इस तरह से हमारे टक्स और जो है आस्तीन वो सिल चुकी हैं। अब हम इसको जोड़ेंगे, जो हमारा जो होता है गला होता है, गले पर भी मैंने लेसेस लगा के बना लिया था, और ये साइड इस तरह से बन चुकी हैं। मैं सिलाई ऊपर से ही लगाती हूँ, दामन में से सिलाई नहीं शुरू करती। जो आस्तीन है ना उसका दरमियान में से कट लगाते हुए पहले शोल्डर पर रखती हूँ, एक साइड सिल जाती है नीचे तलक, तो फिर वहाँ से मैं सिलाई लगाकर दूसरी साइड भी जोड़ लेती हूँ। ये देखें दूसरी साइड भी मैं बना चुकी हूँ, आस्तीन और टक्स जो हैं वो बना चुकी हूँ। ये देखें इस तरह से ये गला मैंने खोल लिया है, पिछला अलग कर लिया है और अगला अलग कर लिया है, और यहाँ से मैंने कैंची से कट लगा कर बिल्कुल दरमियाना जो आस्तीन का होता है वहाँ से रखा। मैं जो है एक ही दफ़ा में सिलाई नहीं लगाती पूरी साइड की, इस तरह आधा एक साइड पे सिल जाता है, बाद में इसको मैं पिछली वाली साइड जो है आगे वाली साइड वो भी मैं सिल कर दूँगी। इस तरह से ये पिछली साइड मैंने सी ली है और आगे का भी मैं रख कर सिलाई करूँगी। तो इसी तरह से मैं इसकी सिलाई करती हूँ, और बाकी की जो साइड है वो भी मैं मुकम्मल कर लूँगी। दिखाई मैंने इसलिए नहीं है मशीन पर क्योंकि ये अर्जेंट में सीना था, तो मैं इसकी वीडियो नहीं बना सकी, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह मैं मुकम्मल कर रही हूँ इस सूट को।
तो ये देखें यहाँ पर ये मुकम्मल हो चुका है। अब इसका दामन रहता है, तो इंशाल्लाह किसी वीडियो में दामन पे लेस वगैरह कैसे लगती है तो वो भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको बताऊंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।